अब हम सिर्फ 2 घंटे में पहुंच पाएंगे मुंबई से दुबई, वो भी हवाई जहाज ने बल्कि ट्रेन में बैठकर। जी हाँ, हम मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे। मुंबई से लेकर दुबई तक अंडर वाटर ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके लिए 2000 किलोमीटर बड़ी अंडर वाटर टनल बनाने का काम शुरू हो चुका है। और आप जल्द ही भारत से संयुक्त अरब अमीरात का सफर एक सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन में सवार होकर कर पाएंगे। यानी जिसकी अच्छी खासी सैलरी हो, वो लोग रोजाना मुंबई से दुबई जाकर नौकरी कर पाएंगे। टूरिस्ट एक दिन में ही फॉरेन ट्रिप कर पाएंगे। साथ ही भारत और यूएई के बीच एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट का बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, पिछले कई सालों में कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स पेश हुए हैं, लेकिन वो सभी शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत और यूएई दोनों की सरकारें काफी सीरियस हैं। इसके रूट का मैप भी बन चुका है और जल्द ही इसका कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो जाएगा। तो आखिर क्यों है ये दुनिया का सबसे खास रेल प्रोजेक्ट? एक अंडर वाटर टनल में बुलेट ट्रेन कितनी तेज रफ्तार से चल पाएगी और समंदर की सतह से 10 मंजिला नीचे की गहराई में इतनी लंबी ट्रेन टनल कैसे बनाई जाएगी? जानने से पहले अगर आपको ये प्रोजेक्ट दिलचस्प लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, हाल ही में आबूधाबी में हुई यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में यूएई बेस्ड एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने मुंबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क्स चलाने का प्रस्ताव रखा था। यह अंडर वाटर नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा और पैसेंजर्स के साथ ऑयल और बाकी चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि मुंबई और दुबई के बीच अरेबियन सी की गहराई 4652 मीटर है। ऐसे में करोड़ों गैलन पानी के दबाव के बीच बिना किसी जमीनी सपोर्ट के इतनी गहरी टनल कैसे बनाई जाएगी? तो आपको बता दें कि यहाँ समंदर के नीचे जमीनी सतह पर टनल नहीं बनाई जाएगी, बल्कि ये एक तरह की फ्लोटिंग टनल होगी जो एक सबमरीन की तरह पानी के अंदर तैरेगी। दरअसल इस फ्लोटिंग टनल को बनाने के लिए फैक्ट्रीज में ही कंक्रीट की बड़ी ट्यूब्स बनाई जाएंगी, जिन्हें फिर समंदर से लेकर जाकर एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। ये टनल अरेबियन सी के नीचे डूबी रहेंगी और इन्हें पोटून ट्यूब से जोड़कर स्टेबलाइज किया जाएगा, जिससे इनके ऊपर से शिप्स आसानी से गुजर जाएंगी। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि वाटर ट्रैफिक और मौसम से बचने के लिए इन ट्यूब्स को काफी गहरा रखा जाएगा। साथ ही इन्हें वाटर टाइट रखा जाएगा, यानी खारा पानी इसके अंदर जाकर इसे कमजोर नहीं कर पाएगा। वहीं इस टनल में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलने के लिए इसमें वैक्यूम बनाने का सिस्टम रखा जाएगा, ताकि कम फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से ट्रेन काफी तेजी से चल सके। इसके अलावा इन टनल्स में नीचे की तरफ 2 बड़े बड़े पाइप्स बिठाए जाएंगे, जिनमें से एक पाइप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से ऑयल को भारत लाने का काम करेगा और दूसरा पाइप भारत से पीने के मीठे पानी को दुबई तक ले जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच फॉरेन रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। हालांकि दुबई से मुंबई के बीच अंडर वाटर ट्रेल के कॉन्सेप्ट को हकीकत में लाना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर कई ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल्स बनाए हैं जो बनने से पहले किसी कल्पना से कम नहीं थे। दुबई मुंबई कॉरिडोर के बीच बनने वाले इस अंडर वाटर टनल के बारे में तो हमने जान लिया। चलिए अब नजर डालते हैं उस खास बुलेट ट्रेन पर जिसे इस टनल से दौड़ाया जाएगा। तो ये खास तरह की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन होगी, जिसे इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये टनल में लगे हुए ट्रैक पर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाए। जी हाँ, ये ट्रेन रफ्तार के मामले में हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि टनल में वैक्यूम होने की वजह से ट्रेन को कोई एयर फ्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बुलेट ट्रेन और ट्रैक मुंबई बंदरगाह से यूएई के पुजरे बंदरगाह तक बिछाया जा रहा है, जो दुबई से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। वही मुंबई से फुजरा की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलने वाली ये ट्रेन आपको सिर्फ 2 घंटे में फुजरा पहुंचा देगी। यानी मुंबई से दुबई पहुंचना दिल्ली पहुंचने से भी ज्यादा आसान होगा। इसके अलावा इस ट्रेन में फुल लग्जूरियस फीचर्स दिए जाएंगे, जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एयर कंडीशनर वाली सीट, रेस्टोरेंट और फुल हाइजीन वाले टॉयलेट्स वगैरह। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि जब टनल की वैक्यूम होगी तो ट्रेन में हवा कहाँ से आएगी और क्या हमें ऑक्सीजन मास्क पहनकर सफर करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि आप मुंबई में जैसे ही ट्रेन में सवार होंगे तभी ट्रेन के पूरे डब्बे में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन के साथ हवा भर दी जाएगी, ताकि आपको सांस लेने में कोई परेशानी ना हो।
वहीं इसे चारों तरफ से एयर टाइट भी रखा जाएगा ताकि हवा लीक ना हो। ये एक तरह से वैसा ही एक्सपीरियंस रहेगा जैसे एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठकर महसूस करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप उनकी तरह हवा में नहीं उड़ेंगे बल्कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वैसा ही रहेगा। हालांकि दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जितना महत्वाकांक्षी है उतना ही ज्यादा मुश्किलों से भरा भी, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो उसमें फंसे यात्रियों को बाहर निकालना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होगा, जिसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए भारत और यूएई दोनों के बीच समंदर में ही फ्लोटिंग चेक पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। ये एक तरह से तैरते हुए स्टेशन होंगे जहाँ से इमरजेंसी के सिचुएशन में यात्रियों को बाहर निकाला जा सकेगा। हालांकि इसके बाद भी इस ट्रेन को सुनामी और तूफान जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है, मगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते ये काम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि जब इंसान चांद पर जा सकता है तो समंदर के बीच यात्रा कर ही सकता है। लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को पेश करने वाली कंपनी का कहना है कि शुरुआत में हम इस रूट पर सिर्फ माल गाड़ियों को चला सकते हैं ताकि अगर कोई परेशानी दिखे तो पैसेंजर्स के ट्रेन शुरू करने से पहले उसे सॉल्व किया जा सके। आपको बता दें कि ये दुनिया का पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और कोलकाता में तो हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो टनल बनकर तैयार भी हो चुकी है, जिसका इनॉग्रेशन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किया था। आपको बता दें कि अंडरग्राउंड मेट्रो कोलकाता के होवरा और साल्ट लेक को एक साथ जोड़ती है। वैसे इस रूट की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है, जिसमें से 10.8 किलोमीटर रास्ता अंडरग्राउंड टनल से होकर गुजरता है। और उससे भी खास बात यह है कि इस मेट्रो ट्रेन का 520 मीटर लंबा रूट हुगली नदी के नीचे पानी के बीच होकर गुजरता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस टनल में हुगली नदी के पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती, क्योंकि इसे बनाने में चार लेयर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसकी कंक्रीट की दीवारों के बीच हाइड्रोलिक गेस्ट्स लगाए गए हैं, यानी कि अगर कभी टनल में पानी आ भी जाता है तो ये हाइड्रोलिक गेस्ट्स अपने आप खुल जाएंगे, जिससे पानी अंदर आना बंद हो जाएगा। खैर, अब वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस आए तो मुंबई दुबई शी रूट नाम के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट से दोनों देशों को अनेक फायदे होंगे, जैसे कि हम जहां शिप्स में लोड करके कच्चे तेल को भारत मंगवाते हैं, वो सीधे पाइपलाइन के जरिए 24 घंटे 365 दिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भारत की तरफ आता रहेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा शून्य हो जाएगा और भारत में कच्चे तेल की कमी नहीं होगी, जिससे पेट्रोल डीजल की प्राइसिंग कम होगी। वहीं दुबई के मीठे पानी का मोहताज जो है, इसलिए वो क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करने को मजबूर हो गया है और इस वजह से कुछ समय पहले दुबई में भयंकर बाढ़ आई थी। ऐसे में भारत की नर्मदा नदी का पानी मुंबई ले जाया जाएगा, जहां से एक पाइप के जरिए खारे पानी के बीचों बीच होते हुए मीठा पानी का फुजेराह बंदरगाह पर पहुंचेगा और यूएई जैसे रेगिस्तानी देशों के लिए मीठे पानी की समस्या का अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय कंपनीज दुबई में अपनी ऑफिसेज खोल पाएंगी, जिससे दोनों देशों के बीच बिजनेस रिलेशन स्ट्रांग होंगे। वहीं दुबई में नौकरी करने वाले भारतीय हर वीकेंड ट्रेन में सवार होकर भारत आ जाएंगे और उनके लिए अपने परिवार से मिलना आसान हो जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि इस ट्रेन में टिकट की प्राइस फ्लाइट में कम रखी गई है, जिससे मिडिल क्लास लोग भी विदेश घूमने जाने के अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और लोग चाहें तो एक दिन में दुबई घूमकर वापस भारत आ सकते हैं। ये बात अभी तो एक सपना लग रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने के बाद इस सपने की हकीकत में बदलने में देर नहीं लगेगी। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि अगर ये तरीका सफल हो गया तो फिर भारत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों के बीच अंडर वाटर ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, जिससे पड़ोसी देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी। दोस्तों, क्या 2000 किलोमीटर लंबा अंडर वाटर ट्रैक बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च करना सही है, और क्या आप इस ट्रेन में बैठना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।